देखो गाइस, एक्सरसाइज तो अच्छी होनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी भी। अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए, अच्छा वर्कआउट होना चाहिए, और हम सब की कोशिश रहती है, और साथ के साथ में जो है ना अच्छा होना चाहिए, उसके साथ में रिकवरी सोर्सेज, मतलब आपकी डाइट और न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब कि जब आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या वेट लॉस भी कर रहे हैं, इवन कुछ भी, अगर आपने कोई एक्टिविटी ऐड की है, ज़रूरी नहीं है कि जिम ही, अदरवाइज कोई भी स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ की, जब आप मेहनत का कोई भी काम करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अपने शरीर से वर्क कराते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी डाइट नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे खाने खाने की जैसे खाना खाने से भी हमारी उसकी पूर्ति नहीं होती, तो हमें प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं कुछ इस तरीके के। ये नहीं कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो सबसे बेसिक चीज़ क्या है, ये लीवर क्लीनर। आज की डेट में मेरे हिसाब से ना लीवर क्लीनर बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि लीवर 52 भी खाते थे उससे, वो भी अच्छा है, बट ये मैं खा रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा लीवर क्लीनर, वो भी पोल न्यूट्रिशन का, ज़बरदस्त है। आप खाते हो हाई प्रोटीन डाइट भी लेते हो, तो उसके लिए लीवर सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। EAA, हर एक जिम जाने वाला इंसान, कोई भी वर्कआउट करने वाला इंसान, सब जानते हैं EAA क्या काम करता है, ग्लूटामाइन, प्रोटीन, और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि L-carnitine। बट ये मैं इसको बेसिक में नहीं लूँगा, बट ये चीज़ें जो हैं और अदरवाइज बेसिक हैं। अब L-carnitine भी उन लोगों के जो वेट लॉस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, काफ़ी इफेक्टिव है। इवन जब उनको ज़रूरत होती है कार्डियो सेशन करते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है, आपको फैट बर्निंग में भी बहुत हेल्प करता है, काफ़ी कुछ है। तो जो चीज़ बेसिक है, मैं ज़्यादा लोगों से नहीं कहता भाई ये प्रोटीन लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो, जो बेसिक चीज़ें वो तो होनी ही चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और आप अच्छी वर्कआउट कर लेते हैं, आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं, आपको नीड है इसकी, ये ध्यान रखना हमेशा। खाली मेहनत करने से, जिम में 1.5-2 घंटा टाइम बिताने से आपकी बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला। हाँ, स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हो, स्ट्रेंथ कमा सकते हो, मगर साइज बढ़ाना घटाना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये सब चीज़ करना, उसके लिए बॉडी को हर एक चीज़ की नीड है। न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत है, रेस्ट की भी ज़रूरत है, रिकवरी की भी ज़रूरत है, और साथ साथ डाइट की भी ज़रूरत है, जो कि बहुत अहम हिस्सा है। डाइट क्या होती है? डाइट ये आपका डाइट है पूरा स्टैक, ये नहीं है आपको प्रोटीन दाल से भी लेना है, चिकन से भी लेना है, अंडे से भी लेना है, वेजी से भी, फाइबर भी लेना है, सब कुछ लेना है, और आपको न्यूट्रिशन से भी लेना है, क्योंकि हम ये सब चीज़ मिक्स करके ही अपना पूरा प्रोटीन कर सकते हैं। इवन अच्छे अच्छे प्रोफेशनल भी, ठीक है, ये नेचुरल उसमें ही आता है फ्लू में, ऐसा नहीं है कि वो आर्टिफिशियल है। हाँ, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, रीज़न क्या होता है? हाँ भाई, जो इंसान मेहनत नहीं कर रहा है, जिसका काम सिर्फ बस खाली सुबह उठना है, उठ के नहा धो के अपना ऑफिस जाना है, आना और खाना खा के सो जाना, उसके लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है जो एक्टिविटी करते हैं, जो सुबह में उठते हैं, रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स में गेम खेलते हैं, कुछ भी। मैं यही नहीं बोलूँगा खाली जिम के जितने भी लोग हैं, जिम वाले ये सब प्रोडक्ट यूज़ करें, नहीं, सभी लोग, चाहे बच्चों की ग्रोथ हो, चाहे आपकी बॉडी की, बड़ों की ग्रोथ हो, या कोई भी चीज़, रिकवरी से लेके ग्रोथ तक, आप रिकवरी करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपको न्यूट्रिशन की सपोर्ट लेनी चाहिए। तो बेस्ट है, मैं अपना पोल न्यूट्रिशन आज की डेट में मेरे हिसाब से, ये नहीं है सस्ता है, इतना सस्ता भी नहीं है। आप सस्ते के चक्कर में रहोगे तो कभी अच्छा नहीं ले पाओगे, वही है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी लो, थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो, बजट फ्रेंडली है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, कोई भी चीज़ इतनी महंगी नहीं है। बस जब मैं यूज़ करने लगा और मैंने यूज़ कर लिया, तो अब मैंने ओपनली आपको बोला, देखो मैं अपना पूरा स्टैक लेके बैठा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आपको बता सकूँ कि भाई न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली मैं जिम ही नहीं करता, मैं ये भी खाता हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखो, अच्छा लगे तो रेगुलरली ऐड कर लो, अदरवाइज़ तो ऑप्शन बहुत है।